तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के एक्सक्लूसिव मेथड्स। आज हम वो मेथड पढ़ेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ कीटोन बन सकता है, एल्डिहाइड नहीं बन सकता। इसके पहले हमने आपको कॉमन मेथड्स बताए थे जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं, पर आज हम ऐसे मेथड पढ़ेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ कीटोन की तैयारी हो सकती है। तो आज हमें दो मेथड पढ़ने हैं। पहला होगा एसिड क्लोराइड का रिएक्शन विद डाई अल्काइल कैडमियम, उससे कीटोन बनेगा। उसके बाद हम एरोमेटिक कीटोन की तैयारी करेंगे यूजिंग बेंजीन बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या क्या बोल दिया, आओ देखते हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाने को तैयार हो जाओ। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटिफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। और कीटोन बनाने की सिर्फ यही मेथड नहीं है जो आज बता रहे हैं, इसके पहले भी हमने कॉमन मेथड्स में जहां कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बना था वहां पे भी कुछ मेथड्स बता रखे हैं। तो आज जो पहला मेथड आपको पढ़ना है वो है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। कॉमन नेम में आप इसको एसाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, इससे बनाएंगे। इसका रिएक्शन आप करा देंगे डाई अल्काइल कैडमियम से, लिखें विथ डाई अल्काइल कैडमियम। चलो एक एसिड क्लोराइड ले लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी। और क्या लेना है, ये क्या हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया। आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। और क्या लेना है, डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल, तो आर टू डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम, आर टू सी डी। दोनों आर सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी, तो इसको हम आर डैश बोल देते हैं, मान लेते हैं अलग अलग है। अच्छा, इसके हमने यहां पे दो मोल्स लिए। अब देखो क्या होगा, यहां से दो सीएल निकलेंगे, एक से एक सीएल, दूसरे मोल से दूसरा सीएल, और दोनों सीएल जाके चिपक गए कैडमियम से, बन गया सी डी सी एल टू। ये तो निकल गया आपका बाई प्रोडक्ट। अब सीएल निकलने के बाद क्या बचा, आर डैश सी डबल बॉन्डो चिपक गया एक आर से, आर डैश सी डबल बॉन्डो चिपक गया एक आर से। इसी तरह से दूसरा भी क्या बचा, आर डैश सी डबल बॉन्डो चिपक गया दूसरे आर से, तो इसके बन गए दो मोल, और ये क्या तैयार हो गया, कीटो। बोलो आया, इसको जरा इस तरह से लिखो तो थोड़ा समझ में आए, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, नीचे भी लिख लो आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसके कितने मोल हैं, दो मोल। और क्या लेना है, डाई अल्काइल कैडमियम, तो इसको ऐसे लिख लो सी डी आर सी डी आर, ठीक है। क्या निकल गया यहां से, ये निकल गया सी डी सी एल टू बाहर निकल गया, क्या निकल गया, सी डी सी एल टू निकल गया। अब देखो क्या बचा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर, और नीचे से भी आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसके दो मोल्स बन गए, नोट कर ले। अब इससे एल्डिहाइड नहीं बन सकता, भाई एल्डिहाइड में क्या होता है, यहां पे H होना चाहिए, और यहां पे आप अल्काइल ग्रुप ले रहे हो, तो इधर से आके एक अल्काइल ग्रुप चिपक जाएगा, अपने आप कीटोन बनेगा, नोट कर ले। समझ में आ गया क्या हुआ, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओसीएल, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओसीएल, सी डी आर आर, क्या निकला, सी डी सी एल टू निकल गया और बन गया कीटोन, नोट कर लिया। एग्जाम्पल ले लें इसका, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया एसिटाइल क्लोराइड सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये क्या हो गया, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा देंगे किससे, सी डी आर टू सी डी, तो क्या ले लिया जाए, चलो सी एच थ्री होल ट्वाइस सी डी, ये क्या हो गया,
डाइमिथाइल कैडमियम, डाइमिथाइल कैडमियम। अब हमने ये रिएक्शन कराया, यहां पे इसके दो मोल ले लिया, दो सीएल निकल गया सीडी के साथ, सीडी सीएल टू क्या बना, सीएच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। और इसी तरह से दूसरा वाला भी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, तो दो मोल इसके तैयार हो गए, ये क्या बन गया एसी टू। इसका फील लेना तो ऐसे लिख लो, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, और यहां क्या लिख लो भाई साहब, सी डी सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है ना। अच्छा क्या निकला, टंग डंग 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 डंग, क्या निकला सी डी सी एल टू निकल गया, क्या बचा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, नीचे से भी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यानी टू मोल्स ऑफ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, एसीटोन बन गया, या आयुपेक नेम लिखना हो तो प्रोपेन ओन बन गया, प्रोपेन टू ओन लिखना हो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी तीन कार्बन है कीटोन बीच में ही होना है, समझ गए आप, समझ गए, नोट कर लिया। चलिए जैसे मान लो हमें ब्यूटेनोन बनाना है एसिटाइल क्लोराइड से, तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के दो मोल ले लिए, ये क्या ले लिया हमने एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, प्लस यहां ले लो सी टू एच फाइव होल ट्वाइस सी डी, ये क्या है डाई अल्काइल कैडमियम, डाई कौन सा अल्काइल है इथाइल ग्रुप है, डाई इथाइल कैडमियम, आप समझ गए हो क्या होगा, इसके दो मोल्स लिए हैं, दो सीएल निकल गया कैडमियम के साथ, सी डी सी एल टू हो गया बाहर, और सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ किससे जुड़ गया सी टू एच फाइव से, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव, कितनी बार दो बार, ये क्या बन गया चार कार्बन का कीटोन, तो ब्यूट एन ओन। अब ब्यूटेनोन में भी चाहे नंबर डालो ना डालो हमेशा सेकंड पोजीशन ही आएगी, चाहो तो आप ये लिखो ब्यूटेन टू ओन और चाहो तो ब्यूटेनोन, वो हमेशा सेकंड नंबर पे ही कीटोन बन सकता है और कोई चांस नहीं है, नंबरिंग उसी तरफ से होगी जिस तरफ से वो टू नंबर पे आ रहा हो, ठीक है, वन टू थ्री फोर। जैसे मान लो हमने ले लिया बेंजोइल क्लोराइड और एरोमेटिक कीटोन बनाए, एरोमेटिक कैसे, हमने आप ले लिया बेंजोइल क्लोराइड C6H5C डबल बॉन्ड OCl, ये क्या ले लिया हमने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, दो मोल्स ले लें इसके भी, और यहां ले लिया CH3 होल ट्वाइस CD डाइमिथाइल कैडमियम, इसका रिएक्शन करा देते हैं क्या होगा, दो Cl चिपक गए CD से, कैडमियम क्लोराइड निकल गया, क्या बचा C6H5C डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, C6H5C डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और इसके भी कितने मोल्स बन जाएंगे दो, एक बार ऐसे फिर एक बार एक और से सी एच थ्री के साथ, ये क्या बन गया, ये है बच्चों एसिटोफिनोन, कई बार जिक्र हो चुका है इसका प्रीवियस लेक्चर्स में, देखो ध्यान से क्या है ये C6H5 यानी बेंजीन की रिंग C डबल बॉन्ड O CH3, यही तो है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 एरोमेटिक कीटोन बना लिया एसिटोफिनोन, क्लियर है, नोट कर लें, हो गया, छाप लें इसको। अच्छा अब इसमें एक बात यह आती है कि सर ये कैडमियम क्लोराइड सॉरी ये डाइअल्काइल कैडमियम आया कहां से, जो आप ले रहे हैं डाइमिथाइल कैडमियम डाइथाइल कैडमियम ये कहां से आ गया, ठीक है, सो डाई अल्काइल कैडमियम इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट
Grignard's reagent with cadmium chloride, है ना, जो आप देख रहे हो CH3 whole twice CD, C2H5 whole twice CD, डाइथाइल कैडमियम, डाइमिथाइल कैडमियम, ये कहां से आ रहा? तो हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे कैडमियम क्लोराइड से। चलो एक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ले लें, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट सब जानते हैं, जैसे ये CH3MG मान लो Cl, ये ले लिया हमने, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हो गया RMgX। इसका रिएक्शन किससे कराओ, कैडमियम क्लोराइड से, इसका रिएक्शन करा दिया CdCl2 से, CdCl2 से, और इसके भी यहां पे दो मोल्स ले लो, दो मोल्स ले लिया। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में आपको पता है कौन सा बॉन्ड तोड़ना होता है हमेशा, ये बॉन्ड, इसके ऊपर क्या आ जाता है प्लस, इसके ऊपर माइनस, ठीक है। यहां से दो CH3 निकले, किससे चिपक गए, कैडमियम से, CH3 होल ट्वाइस CD, क्या बचा, दो MgCl बचे, और यहां से दो Cl, तो MgCl Cl होल ट्वाइस, एक MgCl गया, एक Cl को चिपकाया, दूसरा MgCl गया, दूसरे Cl को चिपकाया, ये बन गया, और ये क्या तैयार हो गया आपके पास, डाइमिथाइल कैडमियम। जरा आप डाइइथाइल कैडमियम बनाओ, डाइइथाइल कैडमियम क्या करें हम यहां पे, C2H5MgCl ले लो, Cl ले लो, Br ले लो, जो ले लो, दो मोल्स, किससे रिएक्शन करा दो, कैडमियम क्लोराइड से, क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस माइनस, दो C2H5 निकले, किससे चिपके, कैडमियम से, C2H5 होल ट्वाइस कैडमियम, प्लस एक MgCl गया, एक Cl को चिपकाया, MgCl Cl, और दूसरा MgCl भी जाके दूसरे Cl को चिपकाया, टू मोल्स ऑफ MgCl2 निकल गए, ये क्या बन गया, डाइइथाइल कैडमियम। तो इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं डाइअल्काइल कैडमियम। फिर इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, एसिड क्लोराइड से, और उससे मिलता है कीटो, नोट कर लें, नोट कर लें, हो गया। चलिए, तो ये पहला मेथड था एसिड क्लोराइड का रिएक्शन डाइअल्काइल कैडमियम के साथ, और ये डाइअल्काइल कैडमियम कैसे बनेगा, बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विथ कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए, तो ये था पहला मेथड। अब आते हैं अपने दूसरे मेथड पे, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमें एरोमेटिक कीटोन बनाना है। सेकेंड मेथड है सिर्फ एरोमेटिक कीटोन के लिए, फ्रॉम बेंजीन, कौन सा रिएक्शन है, बड़ा फेमस रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या करो, यहां बेंजीन ले लो, ये बेंजीन ले लिया, रिएक्शन करा दो CH3C डबल बॉन्ड OCl, वही एसिड क्लोराइड है, एरो के ऊपर क्या लिखते हैं याद है आपको फ्रीडल क्राफ्ट में, एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या बनता है, लुइस एसिड बनता है, क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये ग्रुप यहां पे अंदर आ जाएगा, ये एसाइल ग्रुप अंदर आ जाएगा, ये ग्रुप बच्चों होता है एसाइल, तो एसाइल ग्रुप अंदर आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से क्या बाहर निकला, हाइड्रोजन, बेंजीन रिंग पे हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बाहर निकला और ये ग्रुप अंदर आ गया, ठीक है, यहां से H प्लस बाहर निकलता है और CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस अंदर आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी मैकेनिज्म बता रहे हैं, H प्लस बाहर निकला Cl के साथ तो बन गया HCl, बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, एक तरफ मिथाइल एक तरफ फिनाइल और कीटोन, इसका आयुपक नेम अगर देखो तो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, इसका मैकेनिज्म अभी आपको हम बता रहे हैं, आओ देख लो मैकेनिज्म, देखना
बच्चों मैकेनिज्म होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत बार पढ़ा चुके हैं ये रिएक्शन, हम आपको डिटेल में कई बार बता चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर जा रहा कौन H+, और एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर आ रहा कौन CH3C डबल बॉन्ड O+ SiO। देखो पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे, देखो हम इसको यूज करेंगे CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसका रिएक्शन करा देंगे AlCl3 से, भाई इसका भी तो कुछ काम है। ये है बच्चों लुइस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां इन्होंने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉन दो, क्लोरीन आपको पता है अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के Cl- निकला इलेक्ट्रॉन के साथ, ये अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है कार्बन से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन खींच के Cl- निकला और किसके पास चला जाएगा, इसके पास, इसे क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो यहां से निकल के बन गया AlCl4-। बहुत बार बताया मैकेनिज्म मैंने आपको, Cl- निकल के इससे चिपका AlCl4-। जब यहां से ये निकला तो ये क्या बचेगा CH3C डबल बॉन्ड O+, ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। तो इसका काम क्या था, इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे, बेंजीन में। तो ये फर्स्ट स्टेप थी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का आना। तो ये बेंजीन रिंग, ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल अपना, एरो के ऊपर लिख लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O प्लस। अब ये यहां क्यों जाना चाहता है, क्योंकि यहां पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, थोड़े मनचले होते हैं, है ना, घूमते रहते हैं, थोड़े वीक बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है थोड़े वीक होता है ये बॉन्ड, है ना, यानी ये इलेक्ट्रॉन बाहर से इसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हुए, यहां पे शिफ्ट होंगे, यहां पे क्या आएगा माइनस आएगा, बोलो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पे शिफ्ट होंगे तो यहां पे माइनस आया, और इसको देख के यहां पे चिपकना चाहे तो ये बना C डबल बॉन्ड O CH3। ये C प्लस आके यहां पे माइनस पे चिपक गया, माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो गया, पर देखो इस कार्बन का नुकसान हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब शिफ्ट हुए तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो चला ही गया, तो इसके ऊपर आ गया प्लस। बोलो यहां तक समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर जब शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे प्लस आएगा और इस कार्बन पे माइनस, इससे आके तो ये चिपक गया तो माइनस प्लस खत्म, भाई इसका प्लस आके इससे चिपक गया खत्म, ये इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गए पर यहां पे प्लस चार्ज रह गया। देखो नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर आ गया, अब एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर भी तो जाएगा। ध्यान से देखो, क्या इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, सोचो बेंजीन में हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, बेंजीन की रिंग में यहां हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो यहां पे एक हाइड्रोजन भी है जो हमने शो नहीं किया था, अब शो कर दिया, भाई इस कार्बन की चार वैलेंसी, एक दो तीन चार, यहां पे एक हाइड्रोजन भी था। अच्छा अब आया अपना ये AlCl4-, ध्यान से देखो ये कैटलिस्ट है, जिसको आपने रिएक्शन में यूज किया है तो ये बाहर वापस आना चाहिए, कैटलिस्ट एज सच रहते हैं ना रिएक्शन में, कैटलिस्ट तो यूज नहीं होना चाहिए, तो आपने यहां यूज तो कर लिया तो अब इसको बाहर भी आना चाहिए। अब समझो इस हाइड्रोजन ने क्या कहा, देखो ये कार्बन क्या चाहता है इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन ने कहा हम अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर देते हैं, ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देते हैं और एच प्लस बन के बाहर निकलते हैं। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया क्या ये तैयार हो जाएगा यहां पे खचक खचक सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और ये अपना इलेक्ट्रॉन जब देगा तो यहां पे बॉन्ड बन जाएगा, भाई इस कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन है ही, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो यहां पे एक बॉन्ड तैयार हो गया और ये प्लस चार्ज भी खत्म, बन गया अपना मेन कंपाउंड एसिटोफिनोल। क्लियर है, एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर आया तो एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर, यहां पे एक हाइड्रोजन था अपने इलेक्ट्रॉन देके एच प्लस के फॉर्म में बाहर, कौन ले गया ये AlCl4-। अब एच प्लस आया इसमें से Cl- को खींचा क्या बना लिया HCl, H प्लस आया इसमें से Cl माइनस खींचा क्या बना लिया HCl, और ये क्या बच के रह गया AlCl3, तो AlCl3 जैसा यूज किया था वैसे ही बाहर निकल गया क्योंकि ये एक कैटलिस्ट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है, कई बार मैंने बताया आपको। तो ये थे दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
एक्सक्लूसिव फॉर कीटोन। एनसीईआरटी में देखो कि एक नाइट्राइल्स का भी दिया है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन नाइट्राइल से मतलब साइनाइड से कराने का, उससे बच्चों कीटोन भी बनता है एल्डिहाइड भी, वो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है। तो चलिए यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं, इसको आप नोट कर लें, जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswallaalakhpandey.com पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस सारे लेक्चर्स के भी। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।